गुणिस्थान के स्वरूप को समझा। आपने एक चित्र में एक बात देखी होगी, चित्र में हम पहले टीवी में नहीं लाइन लाइन आ जाती थी, बिगड़ जाता था स्क्रीन खराब, ऐसे क्यों बताया? तारतम्य रूप अवस्था को बताने के लिए, ये मतलब वो बताने के लिए बताया जा रहा है कि गुणिस्थान है ना, ये पढ़ती चढ़ती वाले हैं। अब वो 3D होता तो ऐसे ऐसे बता देते, बराबर अलग से बता देते, अब ऐसा नहीं है तो उसको पीछे डिजाइन में सेट कर दिया। कि जीव को जो श्रद्धा और चारित्र गुण की मोह और योग के निमित्त से होने वाली तारतम्य रूप अवस्था, चढ़ती और पढ़ती रूप दशा, उसका नाम क्या है? गुणस्थान। देखो थोड़ा समझने लायक बात है, सारा संसार, जैनों का संसार तो कम से कम इस बात को मानते ही मानता है कि जीव विविध गुणस्थान वाला है, और गुणस्थान के ज्ञान पूर्वक समय सार का ज्ञान होता है। ये बात स्वयं बनारसी दास जी ने कही, नहीं पता। अब ये 68 नंबर की गाथा, यहाँ ये कह रहे हैं कि मोह कर्म के उदय से गुणस्थान जीव के कहे जाते हैं, बराबर, यानी जीव के कोई गुणस्थान नहीं है। अब वही बनारसी दास जी समय सार में साध्य साधक भाव लिखते हैं, और साध्य साधक भाव के द्वारा चतुर्दश गुणस्थान अधिकार लिखते हैं। अभी चतुर्दश गुणस्थान अधिकार क्यों लिखा? अगर जीव गुणस्थान वाला नहीं है तो बताओ, मतलब ये बात बड़ी गहरी है, ये अलग से पेज नंबर पे अगर आपको देखना हो, ये मूल विषय नहीं समय सार नाटक का, ये मूल समय सार का ये मूल विषय नहीं है, लेकिन बनारसी दास जी को समय सार पढ़ते पढ़ते जो जीवन में गड़बड़ी हुई, वो गड़बड़ी उन्हें हृदय से महसूस हुई, और बाद में उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये रूपचंद जी ने मुझे जब गुणस्थान पढ़ाए तब जाके मेरी अकल ठिकाने आई, और अकल ठिकाने आई तब मुझे पता चला कि किस किस गुणस्थान के अनुसार क्या क्या भाव होते, बराबर समझ में आया? अब समझना, 68वीं गाथा में ये कह रहे हैं कि ये सारे गुणस्थान नित्य अचेतन हैं, जीव के नहीं हैं। तो बनारसी दास जी ने केवल इतना ही समझ लिया कि जीव का कोई गुणस्थान नहीं, और कोई गुणस्थान नहीं है इसीलिए दरे हर एक गुणस्थान के अनुसार क्या आचार, क्या विचार, क्या व्यवहार होना चाहिए, इसका भान नहीं रखा। तो उनके जीवन में बहुत बड़ी कमी, भूल हो गई, और उस भूल को सुधारने के लिए उन्होंने ये लिखा कि अब कोई भी समय सार पढ़े तो 68वीं गाथा के सब्स्टिट्यूट के रूप में ये गुणस्थान अधिकार भी जरूर पढ़े, बराबर। मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ एक तरफ समय सार ग्रंथ में ये कहा जाता है कि गुणस्थान जीव का नहीं है, जो पूरी तरीके से सत्य बात है, वहीं दूसरी तरफ अवस्था का ज्ञान कराने के साधन के रूप में गुणस्थानों को जीव का कहा भी जाता है। अब इनके बीच में हमें समझना है कि कौन से नए की क्या अपेक्षा है। फाइनली बोलो पंडित जी, है कि नहीं? हम तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, 68वीं गाथा पढ़ते तो लगता है नहीं है, और जब गुणस्थान पढ़ते हैं तो वहाँ पे ही कहा जाता है कि सब जीव के हैं, जीव की दशा है, जीव के स्थान है, बराबर। तो इसको ही अपन निश्चय व्यवहार के माध्यम से समझ सकते हैं, किसके माध्यम से? निश्चय व्यवहार। बात इतनी है,
कि हमने पिछली गाथा में वर्णादि को पर का सिद्ध कर दिया, बराबर किसके कारण से, कि वो जीव के रूप नहीं होते, तादात्म संबंध का अभाव। ये अपन ने वहां पे न्याय दिया। क्या न्याय चल रहा है वर्णादि के बारे में? तादात्म संबंध का अभाव। अब दूसरा प्रश्न होता है कि रागादि क्यों जीव के नहीं, वर्णादि तो चलो पर में होते हुए दिखते हैं, शरीर तो भिन्न है ही, घर परिवार भी भिन्न है, पैसा दुकान जमीन जायदाद भी भिन्न है, पर ये राग तो मेरा ही है ना, इसे क्यों भिन्न कहते हो? तो उसको यहां पर कह रहे हैं, क्यों कारण बता रहे हैं। देखो गाथा पढ़ते हैं एक साथ पढ़ो सब, कल तो पढ़ ली थी ना। मोहन कम सुदया दुवर्णिया जे में गुण ठाणा, जे कह हवंती जीवा जीणिच मचेदना उत्ता। पढ़िए, यानी गुणस्थान कहो चाहे रागादि भाव कहो, यहाँ पे जो कहते हैं टीका की उत्थानिका में लिखा रागादि भाव और मूल गाथा में लिखा गुणस्थान, दोनों में क्या अंतर है? देखो अभी अपन उस पर नहीं जाते, लेकिन सिंपल है, राग की अनेकों दशाएं होती हैं, होने की भी अनेकों दशाएं होती हैं और मिटने की भी अनेकों दशाएं होती हैं। इतना समझे, राग राग जो है वो राग की होने की कितनी दशाएं? अनेकों। और मिटने की कितनी दशाएं? अनेक। जितनी प्रकार से होता है उतनी प्रकार से घटता है। आप रोज का टेम्परेचर देखते होंगे ना, लगभग लगभग उसमें ऐसा कर्व बनता है, ऐसे कैसे करें पॉइंट पॉइंट करते 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 बढ़ता है, फिर पॉइंट करते 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 घटता है। ऐसा तो नहीं होता कि एकदम ऐसे गया और फिर एकदम ऐसे आ गया, बराबर। अगर 2 बजे पीक पर है, 3 बजे पीक पर है, तो 3:10 पर 6 नहीं बज जाएंगे, वो 6 बजे का टेम्परेचर जैसे 12 से 3 बजे तक बढ़ते बढ़ते 3 पर पीक पर पहुंचा, तो 3 से 6 के बाद घटते घटते वो वहां तक आए। यानी जो बढ़ने की दशा है वही घटने की दशा है। अब राग कितने प्रकार का? अनेक प्रकार का। तो ऐसे अनेक प्रकार में अगर हम आपको बता दें तो समझ पाओगे क्या? बोले नहीं। इसीलिए आचार्यों ने उन राग को 14 गुणस्थानों के माध्यम से बताया। इसमें 14 में से 12 तो स्पष्ट राग की होने और मिटने रूप दशा है, बाद के 2 सहयोग अयोग वो अलग बात है, लेकिन अम्रवन निम्रवन न्याय से ये 14 गुणस्थान किसके कहे जा सकते हैं? राग। अभी कौन सा न्याय बता दिया? न्याय न्याय है आम्रवन न्याय निम्रवन न्याय। जैसे कोई बगीचा हो, बगीचा बगीचे में 100 पेड़ हों, वृक्ष हों, और उसमें 100 में से 90 किसके हों? आम के हों, और 10 किसके हों? नीम के हों, तो बगीचा किसका कहलाएगा? अंबाबाड़ी।
अब यहाँ की आंबाबाड़ी में कोई आंबा नहीं रहे, लेकिन नाम ऐसा बताता है कि पुराने समय में कभी क्या होगा यहाँ पर आम की बाड़ी, ये नाम बताता है, गलत होगा नहीं नाम, समझे। तो ऐसा नहीं कि आंबाबाड़ी में सब आम ही आम होते हैं, उसमें दूसरे पेड़ भी होते हैं, लेकिन मुख्यता जिसकी होती है उस बगीचे को उसका कह देते हैं। ऐसे नीम में भी होता है, ज़्यादातर अगर नीम के बगीचे हों, नीम का वृक्ष हो और एक दो कोई दूसरे हों, तो उसे क्या कह देते हैं, नीम का बगीचा, नीम्रवन। अब ये दृश्य है समझे कि नहीं समझे। तो अब इसको सिद्धांत में समझते हैं। ये बात मैंने क्यों बताई, 14 गुणिस्थानों में 2 गुणिस्थान ऐसे हैं जो राग से संबंधित नहीं हैं। कौन कौन से? सयोग केवली और अयोग। बाकी के सब देखो मोह आदि आया वहां पर, तो मोह है ना वहां पे अंत दीपक है, क्षीण मोह। देखो इसमें देखो 12वें नंबर का गुणस्थान कैसा दिख रहा है, क्षीण मोह, यानी अब मोह क्षीण हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक मोह था, बराबर। जब कोई पूछे हमारा तबियत एकदम सारी छे, बोले अब एकदम परफेक्ट छे, एनो मतलब शू थयो कि एनाथी पहला शू हती, डजू पजू चल। तो ये अगर 12वें गुणस्थान में लिखा है क्षीण मोह, तो इसका क्या मतलब लेंगे कि 1 से लेकर 12वें तक मोह के निमित्त से होने वाली अवस्थाएं हैं, और उन अवस्थाओं को हमने क्या कहा है, गुणस्थान कहा है। ऊपर के दो नाम हैं सयोग और अयोग, या मोह नहीं है, योग है। यहाँ क्या नहीं है, मोह नहीं है, यहाँ योग है। इससे ये सिद्ध होता है ये 13 और 14 नंबर के जो गुणस्थान हैं ये मोह के कारण नहीं बल्कि किससे बने, योग के, बराबर। और ये दो गुणस्थान कैसे हैं, संसार अवस्था इनको कहने की है। बनारसी दास जी कहते हैं अरंत भगवान को 82 प्रकृतियाँ, प्रकृति 85 जाकी लगी रही छार से, इसी गुणस्थान अधिकार में लिखा कि अभी ये अनंत भगवान बैठे हैं, इनको सारे कर्म नष्ट नहीं हुए, कितने कर्म बाकी हैं, 4 अगाती कर्म, और 4 अगाती कर्मों की 85 प्रकृतियाँ अभी इनके साथ में हैं, लेकिन वो सारी की सारी प्रकृतियाँ कैसी हैं, जली हुई रस्सी के समान है। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया है? ये दृष्टांत किसी ने देखा है, जली हुई रस्सी। मुझे बड़ा एक अंदर का कौतूहल भाव रहता है, कभी भी कोई दृष्टांत आता है ना, तो जब तक वो लाइव नहीं हो ना, भाव भाषण नहीं होता उसी, मतलब उस चीज़ का वजन ख्याल में नहीं आता। जिसने देखा हो ना उसे बहुत अच्छे से पता होगा कि जैसे रस्सी होती, और ये वाली नहीं, जूट वाली रस्सी, पुरानी वाली रस्सी, आजकल की नाइलॉन वाली रस्सी नहीं, वो तो अलग हो जाती है, लेकिन जूट वाली रस्सी अगर आप देखो जो पहले चलती थी, कंते की रस्सी बोलते ना आपके, हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, जरा सा भी चेंज आकार नहीं होता। हाँ, और जरा सा हाथ लगाओ और धुर करके गिर जाए, लगेगी रस्सी जैसी, लेकिन उसमें रस्सी का काम क्या, बांधना, लेकिन उसमें बांधने वाला सत्व चला। इसीलिए वो हिंदी में भी मुहावरा आता है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बल मतलब जो वड़ांग है ना उसका, है बराबर, बल मतलब ताकत नहीं, बल तो चला गया, बल के थे हिंदी में वो बल, हाँ मैं समझ रहा, वलण जो जहाँ से होता है, जहाँ से वो एक दूसरे से जुड़ती है, घूम घूम के मूव होके मिलती है, उसे वलण बोलते हैं। तो देखिएगा ऐसा कि एकदम जुड़ी हुई है, वैसी रस्सी के जैसी है, लेकिन ताकत नहीं है उसकी,
समझ में आ गया। बस बनारसीदास जी भी थे तो व्यापारी, ऐसे थोड़ी था, उन्होंने बहुत सारे व्यापार किए, उनमें ये भी व्यापार किया होगा और जलती हुई देखी भी होगी। अब देखो हमने रस्सी देखी, कदाचित जलती हुई रस्सी भी, जली हुई रस्सी भी देखी होगी, लेकिन हमें उसमें अनंत भगवान नहीं दिखे। और बनारसीदास जी को उस जली हुई रस्सी में भी क्या दिख गए, कहाँ दिखे, बोले ये रस्सी मतलब अनंत भगवान की अघाती कर्म की प्रकृतियां हैं जो दिख रही हैं, लेकिन उनमें बांधने का सत्व नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसे वैसी सृष्टि दिखाई देती। हमारी दृष्टि कभी ऐसी बन नहीं पाती। और बनारसी दास जी निरंतर तत्वों के चिंतन मनन में रहते, और उनको वो अगर रस्सी भी दिखे, अरे ये तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रकृति 85 जाकी लगी रही चार से, ये सब राख की भांति प्रकृतियां पड़ी, सारा जगत देख रहा है कि भगवान शरीर में है, भगवान समोसरण में है, भगवान की दिव्य ध्वनि हो रही है, ये 85 प्रकृतियों का जो वैभव है वो समोसरण में दिख रहा, लेकिन भगवान तो कह रहे कि अरे रे रे ये कर्म है, लेकिन कर्मत्व पना उनका चला गया। ये कर्म है सो बंधन का, और वो बांधने वाला सत्व चला गया है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? इसीलिए 13वें और 14वें गुणस्थान वाले जीवों को संसारी बहुत स्थूलता से कहा जाता है। अंदर में देखा जाए तो उनके संसार का अभाव हो गया है, हो ही गया है, अब बचे ही नहीं, मोक्ष हुआ यानी मोह संसार का क्षय हो गया। इसीलिए जो यहाँ कहा कि गुण ठाना सभ्य संसारी जीवों के हैं, और संसारी जीवों के गुणस्थान जब हम लेते हैं तब वहाँ पर 1 से 12 तक मुख्य लेना, और इसीलिए वो सारे के सारे गुणस्थान किसके अंतर्गत आ जाते हैं, राग आदि परिणाम के अंतर्गत आ जाते हैं। बराबर, मोह कौ चाहे राग, मोह ऊपर लिया तो उसके कारण वो राग आदि परिणाम के रूप में आ जाते हैं, ठीक है। बराबर, अब देखो तो ये जो राग आदि परिणाम है, ये जो मोह कर्म के उदय से होने वाले गुणस्थान हैं, ये और कुछ नहीं बताते, ये बताते हैं कि कैसे संसार बढ़ता है और कैसे संसार घटता है। बात समझ में आई? अंतर इतना है कि यहां माइनस में नहीं बताया गया, बाकी अमुक तो माइनस में बताने वाली भी जरूरत। माइनस मतलब क्या? नहीं, मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व। वैसे तो मिथ्यात्व वैसे ही रसातल है कि नहीं? रसातल जीव के विकास की सबसे निचली दशा कौन सी है? मिथ्या। लेकिन मिथ्यात्व में भी जीवों के अंदर असंख्यात भेद पड़ते, आ रही कि नहीं आ रही समझ में? बहुत सारे लोग कहते हैं मतलब स्वाद है, तुमने पूरे जिंदगी में सम्यक दर्शन के गुण गा लिए, पूजन कर ली, भक्ति कर ली, हमने कुछ नहीं किया, तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया? नहीं हुआ। हमें भी नहीं, बात बराबर। अरे मूर्ख है, ये कहने के पहले तुझे वस्तु व्यवस्था का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है, ये सिद्ध हो गया। दो बातें हो रही हैं, एक तो तुम पुरुषार्थ की अवहेलना कर रहे हो, है ना, बराबर समझ में आया, और विषय कसाय का पोषण कर रहे हो, अज्ञानता की प्रशंसा कर रहे हो। जो पुरुषार्थ की अवहेलना करे और अज्ञानता की प्रशंसा करे, परमात्मा के ज्ञान में आया कि वो कभी पुरुषार्थी होगा नहीं, और पुरुषार्थी होगा नहीं इसलिए संकीति भी होगा। इसलिए मिथ्यात्व में ये सब एक है, लेकिन मिथ्यात्व में भी असंख्यात स्तर होते हैं, तीव्र मिथ्यात्व, वज्र मिथ्यात्व, मंद मिथ्यात्व, सम्यक सन्मुख मिथ्यात्व, कितने भेद बताओ। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तत्व सुहाते ही नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं सुनते हैं लेकिन बेचारे समझ नहीं पाते, कुछ ऐसे हैं समझ लेते हैं लेकिन वो निर्णय नहीं कर पाते, कन्फ्यूजन में रहते हैं।
कुछ ऐसे हैं निर्णय कर लेते हैं लेकिन उचित पुरुषार्थ तो नहीं कर पाते, कुछ ऐसे हैं एक दो बार पुरुषार्थ करते फिर छोड़ देते भाई अपने से नहीं हो रहा, कुछ ऐसे हैं जो निरंतर पुरुषार्थ करते रहते हैं एक निष्ठ पुरुषार्थ करते रहते हैं, और ऐसे जीवों में से कोई एकाध जीव सम्यक को पा जाता। क्रम तो यही है भैया। अब एकाध बार पुरुषार्थ करके किसी ने छोड़ दिया और मां वस्तु की प्राप्ति आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई, आत्मोपलब्धि नहीं हुई, और ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी पुरुषार्थी नहीं है बल्कि आत्मा आत्मरुचि तत्वरुचि है ही नहीं, दोनों मिथ्यात्म में है लेकिन दोनों एक से थोड़ी हो गए। समझ में आया कि नहीं है? ये तो लगभग वही बात हुई किसी के ऊपर 10 रुपए का कर्जा है और किसी के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा है और दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं तुम भी कर्जे में हम भी कर्जे में, बात बराबर? कौन सा अर्थशास्त्र इस बात को सही कहेगा? लेकिन एक न्याय से तो बात सही है कि तुम भी कर्जे में हम भी कर्जे में, लेकिन लौकिक में अपने को अंतर दिखता है ना कि 10 रुपए का कर्जा तो चलते फिरते चुका देगा लेकिन 10,000 का कर्जा हो जाएगा देश छोड़कर भागना पड़ेगा आलिया मालिया की जैसे है नीरव मोदी के जैसा है, विजय माल्या के जैसा, इनके जैसा, उनके जैसा, बहुत सारे लोगों के जैसा। आई कि नहीं बात समझ में? आ, 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 आ। ख्याल में आया? इसीलिए जो लोग इस प्रकार की संवेदनहीन सेंसलेस बात करते हैं उन लोगों के प्रति तो करुणा आती है, बराबर। लेकिन बात इतनी है गुणस्थानों के क्रम में माइनस में कोई गुणस्थान नहीं, माइनस में कोई गुणस्थान नहीं मतलब कि भाई ये तीव्र मिथ्या दृष्टि को -10 और कम को -9 -8 ऐसा नहीं बताया गया, लेकिन शास्त्र में ऐसी अवस्था जरूर बताई गई है, तीव्र लेस्या मंद लेस्या, तीव्र कषाई मंद कषाई, तीव्र मोही मंद मोही, ये सब बता रहे हैं। यानी मोक्ष मोह के बढ़ने की दशा मुख्य रूप में गुणस्थान में एक नाम पर बता दी, लेकिन मोह के घटने की दशा उसको बाकी के पूरे गुणस्थानों में बताया। मुझे बता, पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? गुणस्थान के क्रम में एक कमी बोलो या जो भी बोलो कि वो ये है कि मोह के बढ़ने के लिए एक ही बात बताई लेकिन मोह को घटने के लिए अलग अलग स्थानों में बताया। उसका मूलभूत कारण यह है कि बढ़ते हुए मोह को तो हम खुद जान रहे हैं, घटते हुए मोह को जान नहीं पा रहे हैं, इसीलिए बताने की जरूरत पड़ती है। समझ में आया? ख्याल में आया कि ये लाइन ख्याल में आ रही ना? मैंने आपको जैसे बोला कि टेम्परेचर का ग्राफ होता है यहां से लेकर यहां फिर यहां से लेकर यहां, तो गुणस्थान क्या है? 1 से 12 तक के गुणस्थान मुख्य रूप से मोह के बढ़ने और मोह की घटने की दशा। अब फिर कोई यहाँ प्रश्न करे कि घटने के लिए तो आपने 2, 3, 4, 5 से लेकर पूरे बता दिए, बढ़ने के कहाँ बताए? प्रश्न हो सकता है ना? तो बोले ये सारी जो बढ़ोतरी है वो सब एक गुणस्थान में शामिल हो जाती है, इसका नाम क्या है? लेकिन सबको एक मत समझ लेना, मिथ्यात्वी है मिथ्यात्वी है, मिथ्या दृष्टि है मिथ्या, बहुत सारे लोगों को एक ही बात हो जाती है ये मिथ्या दृष्टि मिथ्या, अरे भाई मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि, कब सम्यक दृष्टि हो जाएगा तुझे पता है? और सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान बदल जाएगा क्या? देखो टोडरमल जी साहब रहस्यपूर्ण चिट्ठी में एक बात कहते हैं कि आत्मानुभवन से ज्ञान नहीं बदलता, आत्मानुभवन से ज्ञान नहीं बदलता। बनारसी दास जी का जीवन खुद इस बात का साक्षी, एक एक धारा चलती है जो बार बार ये कहती है कि भाई ज्ञानी का उपदेश, ज्ञानी का उपदेश, मिथ्या दृष्टि का क्या उपदेश होगा, मिथ्या दृष्टि का क्या उपदेश होगा। अरे भाई ध्यान से समझ इस बात को, इतने रफली इस बात को नहीं समझो।
ऊपरी ऊपरी मत समझो, गहराई से समझो। दो तीन बातें मैं इस बारे में कहूंगा। पहले नंबर की बात, सम्यक दर्शन से क्या बदलता है। रेसपूर्ण चिट्ठी में ऐसा आया है कि जो पदार्थ आगम के द्वारा आत्म वस्तु का निर्णय किया था, आत्मानुभवन के बाद गुणिस्तान बुढ़े लोक का ज्ञान नहीं होता, आत्मानुभवन के बाद न्याय का ज्ञान नहीं होता, आत्मानुभवन के बाद चरणानुयोग का ज्ञान नहीं होता, आत्मा का ज्ञान होता है। और आत्मा का भी नया ज्ञान नहीं होता। जो चीजें पहले आगम के आधार से समझी थी वैसा ही अनुभव में आता, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको रस्सी का एग्जाम्पल दिया। बराबर, रस्सी के बारे में जो मैंने कहा, जो बनारसी दास जी ने कहा, वो लगभग लगभग सेम है। और वो कुदरत का नियम है कि वो रस्सी जब जल जाती है तो उसके जो बल होते हैं, उसकी जो घुमाव होता है, मोड़ होता है, वैसे का वैसा बना रहता है। तो ये बात कही 100% सही है। लेकिन कभी जब आप इस रस्सी को देखोगे तो आपको क्या होगा, ओ भाव भाषण हुआ, मतलब नया ज्ञान नहीं हुआ, रस्सी तो वैसी ही थी, जलने पर वैसी ही रहने वाली थी। लेकिन आत्मा, और जब तक हमने उस दृष्टांत को देखा नहीं था तब तक उसकी प्रतीति नहीं थी, सुना सुना लगता था। और जब देख लिया तो उसकी, पर जैसे जली हुई रस्सी में वो घटित होता है, वैसे ही आत्मानुभवन में ये घटित होता है। कि जगत का तो ज्ञान आत्मानुभवन में होता ही नहीं, चरणानियोग का भी नहीं होता, न्याय का भी नहीं होता, वैराग्य का भी नहीं होता। क्या ज्ञान होता है, जो आत्म वस्तु शास्त्रों में बताई है, ओहो आनंद से भरा हुआ मैं हूं, ये मुझे अभी पता चलता है। तो जो ज्ञान था उसकी ही पुष्टि होती। समझ में आया है? इसलिए कोई भी जीव उपदेश तो आगम के आधार से ही देता है, और आगम के आधार से दे उसे ही उपदेश कहा जाता है। समझ में आया? आत्मानुभवन से तो उस उपदेश की प्रतीति होती। ये लाइन समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ख्याल में आया कि नहीं आ रहा है? बनारसी दास जी स्वयं कहते हैं कि जब मैं भ्रष्ट हो गया था, जब मैं भ्रष्ट हो गया था, उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा, जब मैं भ्रष्ट भी कैसे भ्रष्ट पता है आपको, बाजार में खड़े होके आलू की चाट पकौड़ी खाने लगे, इस हद तक भ्रष्ट। जब मैं भ्रष्ट हो गया था तब भी ज्ञान तो था, कवित्व तो तब भी था, और तब भी उन्होंने काव्य लिखा। लेकिन जब मुझे आत्मानुभवन हुआ तो मैंने फिर से अपने लिखे हुए काव्य को पढ़ा, और मैं बहुत आश्वस्त हूं कि तब लिखे हुए काव्य में और अब लिखे हुए काव्य में प्रामाणिकता का कोई प्रश्न नहीं। वो काव्य भी प्रामाणिक है और ये काव्य भी प्रामाणिक। क्यों? क्योंकि जो लिखा हुआ वो तो आगम के ही आधार से था ना, वो जीवन आगम के आधार से चूक गया था, इसीलिए वो जीवन गड़बड़ाया था, ज्ञान थोड़ी गड़बड़ाया। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए चीज को समझना कि भाई विचारो जरा बात को। अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। महाव्रती हैं, महाव्रती आज के जो कई महाव्रती हैं बार बार एक ही बात कहते हैं, ये ग्रस्त ग्रस्त का ज्ञान प्रमाण नहीं, ग्रस्त का ज्ञान प्रमाण नहीं। अपने में भी कई लोग कहते हैं ज्ञानी का ज्ञान प्रमाण, मिथ्यादृष्टि का ज्ञान प्रमाण नहीं। अरे भाई, जिन वाणी में एक ही वक्ता है वो है सर्वज्ञ देव। अब मेरी इस बात को फाइनल कंक्लूजन समझना। क्या बोला? जिन वाणी में एक वक्ता है बाकी सब व्याख्याता है। क्या बोला? कौन वक्ता है? ये जो सामने विराजमान है ना अरंत देव समोसरण में, एकमात्र वक्ता है, बाकी सब व्याख्याता।
कुंदकुंद आचार्य देव की हिम्मत नहीं, क्या शब्द बोल रहा हूं, कुंदकुंद आचार्य देव की हिम्मत नहीं जो ये कह दे कि मैं कह रहा हूं जो प्रमाण मान लो। अभी बीच में कहते हैं सब वर्णु कितनी जगह आया कि ऐसा सर्वज्ञ ने कहा, ऐसा भगवान ने कहा। आप देखो हर 5-10 गाथा के बाद में ऐसा लिखा आता है। नारा नहीं आ रहा प्रशांत गजब, मुझे आश्चर्य होता है समाज में मान्यताएं आप कहां से जाती। महाव्रत ही अपने महाव्रत के अहम में कह रहे नहीं, टोडरमल जी को प्रमाण नहीं गिनेंगे, बनारसी दास जी को प्रमाण नहीं गिनेंगे। क्यों? भले सब में दृष्टि हो लेकिन ग्रस्तों से अपने यहां पे कही जाते हैं, इनको प्रमाण नहीं गिनेंगे, उनको प्रमाण नहीं गिनेंगे। क्यों? अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि, प्रमाण नहीं गिने। अरे भाई समझो, जैन धर्म ऐसे नहीं चलता, जैन धर्म ऐसे नहीं चलता। ये मान्यता भी आई है ना तो अनर्थकारी, सब अपनी अपनी परिभाषा बना देंगे। फिर अपनी अपनी मान्यता बना देंगे सब। कल के दिन कोई और आएगा बोले इस लेवल का आचार्य से नीचे किसी की बात नहीं सुनना, मतलब भेद पढ़ते जाएंगे। फिर बोले इस परंपरा के नहीं सुनना, उस परंपरा के नहीं सुनना, ये सब बातें पूरी तरीके से अनुचित है। कुंदकुंद आचार्य देव जब ये कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा, मेरी ताकत नहीं कुछ भी कहने की, सब किसने कहा? सर्वज्ञ भगवान ने कहा। तो जब कुंदकुंद आचार्य देव ऐसा कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे, सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं, तो बाकी कौन ऐसा कह दे कि नहीं हमारी बात मान लो। यानी जैन धर्म में एक ही वक्ता है, कौन? बाकी सब क्या है? व्याख्याता। कुंदकुंद आचार्य भगवान भी व्याख्याता, अमृतचंद्र आचार्य भगवान भी व्याख्याता, गुरुदेव श्री भी व्याख्याता, टोडरमल जी साहेब भी व्याख्याता, और परंपरा में जो भी है जो माथे पर सर्वज्ञ और शास्त्र को रखकर बोलता है वो सब व्याख्याता है। इतना निर्णय आपका होना चाहिए कि कौन सी बात सर्वज्ञ के अनुसार है और कौन सी बात सर्वज्ञ के अनुसार नहीं। इतनी सी बात बस, और कुछ समझ में आए? ख्याल में आया? बाकी तो कसाई लोगों ने कषाय करने के लिए ना जाने कितने सबसेट बना दिए, ये नहीं, ये हाँ, ये प्लस, ये माइनस। अरे प्रभु, 8 साल का बालक भी हो, और मैं कहता हूँ एक एक प्रश्न आता है कि जो बार बार, कई बार हर कभी ग्रुप में भी आ जाता है मैसेज, कहाँ से मैसेज लिखा, किसने लिखा, गुरुदेव ने किस प्रसंग में कहा, ये भी पता नहीं, कि ज्ञानी के वचन ही सम्यक दर्शन में कारण होते हैं। सही बात, 100% सही बात। मैं लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, नरक की वेदना सम्यक दर्शन में कारण होती कि नहीं होती? देवों का रिद्धि दर्शन सम्यक दर्शन में कारण होता कि नहीं होता? मनुष्यों में देव दर्शन सम्यक दर्शन में कारण होता कि नहीं होता? अब ना तो पढ़ नहीं सकती, करुणानियोग में बताए, चारों गति में सम्यक दर्शन के अलग अलग कारण बताए। उनमें नरक में बोला वेदना, देव गति में बोला रिद्धि दर्शन, और मनुष्य गति में बोला देव दर्शन। अरे भाई, जब ये सम्यक दर्शन के कारण हैं, तो 7 तत्व की कोई बात करे वो सम्यक दर्शन का कारण नहीं होगी क्या? 9 पदार्थ की बात करे, समय सार की बात करे, 8 वर्ष का बालक ही क्यों ना करे। तुस मासम भिन्नम, जहां ये परंपरा है कि दाल और छिलका भिन्न भिन्न है, इतना ज्ञान केवल ज्ञान में कारण बन जाता है, तो 7 तत्व का व्याख्यान केवल ज्ञान में कारण नहीं बनेगा, सम्यक दर्शन में कारण नहीं बनेगा। अरे भाई, तो फिर ये क्यों बोला ज्ञानी के वचन नहीं दे? अरे भाई बोल, सही बात है, जैसे नरक की वेदना को देखकर पूर्व कृत ज्ञानी के उपदेश का स्मरण हो जाता है। स्मरण ऐसा नहीं कि जाति स्मरण रूप ही हो, वो सूक्ष्म संस्कार के रूप में भी होता है। लोग ऐसा समझते मतलब जाति स्मरण हो जाएगा, नहीं, सूक्ष्म आपके अंदर में परिवर्तन हो जाता है और आप उसके साथ में क्या कर लेते हो, तादात्म्य बैठा लेते हो।
जिन दर्शन देखकर कोई ऐसा नहीं जाति स्मरण ही हो जाए, लेकिन जिन दर्शन देखने पर करने पर पूर्व में जो भगवान की वाणी सुनी, पूर्व में जो ज्ञानी का उपदेश लिया और उसके जो गहरे संस्कार थे, वो सारे गहरे संस्कार क्या हो जाते हैं अंदर में। जैसे कई बार आपके अंदर कोई फोबियो होता है ना, फोबियो, नेगेटिव एग्जांपल देता हूं कि जो वो वस्तु को देखते हो किस कारण से आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो चीज का आप फील कर सकते हो। एक ऊंचाई से बिल्कुल नहीं डर रहा और दूसरे की ऊंचाई पर जाते ही पैर कांपने लगते हैं, समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि कोई जीव जंतुओं को देखकर होता है, तो आपको वो कारण पता नहीं है लेकिन आप उसके फल को फील करते हो। वो साइकोलॉजिस्ट बता सकता है गहरे आपसे प्रश्न करके कि जब आप 2 साल के थे तब ऊपर से गिर गए थे और गिर गए थे तब से आपके अंदर में उस चीज का क्या हो गया है, फोबियो बैठ गया, हाइटोफोबियो। तो अब जब जब भी आप ऊंचाई पर जाते हो आपके पैर, ये क्या कहलाया, हाइट के डर का संस्कार गहरा। आपको वो याद नहीं कब पड़ा, लेकिन जैसे ही वो आती है वो आपके हाथ पैर शरीर सब बताने लगता है कि नहीं नहीं अब चलो नीचे 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 अपने से नहीं होगा। ऐसे में किसी को, बहुत सारे लोगों को होता है अलग अलग, किसी को आग से होता है, किसी को ऊंचाई से होता है, किसी को पानी से होता है, किसी को ये झूले वूले से होता है। ये सब क्या है, अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ ना तो बता देगा वो। गहरे समय में जब आपके कोई कोई संस्कार ऐसा पड़ा हुआ हो जो आपको याद भी ना हो, लेकिन वो संस्कार क्या करता है, आपको पूरी तरीके से प्रभावित करता है, थोड़ा नहीं पूरा। नकारात्मक दृष्टांत था लेकिन इसको सकारात्मक बनाते हैं। जैसे कहीं कोई ऊंचाई से गिरा हो तो उसके संस्कार पड़ गए, ऐसे ही किसी ने सर्वज्ञ और ज्ञानी और मुनिजनों की बातें सुनी हो तो उसके संस्कार पड़ गए। अब वो भूल गया संस्कार कब पड़े, लेकिन जैसे ही ऊंचाई पर जाता है फिर से वो चीज उसे याद आ जाती है। ऐसे ही जब भी किसी की भी बात सुनता है, 7 तत्व की, 9 पदार्थ की, आत्मदृष्टि की, वो 8 साल का बालक हो, 60 साल का वृद्ध विद्वान हो, ज्ञानी हो, मुनि हो, अथवा कोई अचेतन रूप में हो, शास्त्र हो, जैसे ही वो सामने आता है उसके अंदर के संस्कार जागृत हो जाते हैं और वो ही काम कर रहा है जो पहले सुना था। लेकिन तत्काल में निमित्त कौन बन जाता है, वो सामने वाला कोई व्यक्ति। इसीलिए और मैं एक और बात कहता हूं, बड़े आत्मविश्वास के साथ में बोलता हूं, हम लोग इतने अभागे नहीं हैं कि हमने कभी परमात्मा की वाणी सुनी ही ना, डायरेक्ट निगोज से निकलकर यहां ट्रांसफर लिया हो, ऐसे नहीं। मगर इतनी, अगर इतनी अच्छी बात सुनने को मिल रही है सुनती भाई, समय सार की गहरी बात, तो ये कोई डायरेक्ट निगोज से निकलकर यहां ट्रांसफर ले लिया हो, संसार में घाट घाट का पानी पिया है, गटर का पानी पिया है, तो आगम का गंगा जल भी पिया ही होगा। 100% इसमें कॉन्फिडेंस है। ये अचानक ही होने वाली घटना नहीं है कि इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर आत्मरुचि बंद हो जाए, ये कोई आकस्मिक घटना नहीं, ये पूर्व चक्र है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जब भी आप जिनवाणी को सुनो तब तक अपने अंदर में उतरो और कहीं कहीं जो आपके गहरे संस्कार हैं जिनमें आत्म वस्तु की प्रबल महिमा ज्ञानियों के द्वारा गाई हुई होगी, आप उसमें रुकने का प्रयास करो, खुद ब खुद उन ज्ञानियों का बल आपके मोह को छिन्न भिन्न कर देगा। उतरो, लेकिन बात इतनी सी है, तैरो नहीं, समझ में आया? फिर ये मत विचार करो कि कौन बोल रहा है, किस पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कहाँ का बोल रहा है, ये सब बातें करोगे ना तो आप वो जो मूल प्रयोजन है ना उससे हट जाओ, समझ में आया? आपको वो चुके ना जो संस्कार पड़े हैं, पड़े ही हैं, उनको जागृत करना,
जैसे कोई गहरी नींद में सो रहा हो ना, तो एक दो थपकी लगाकर जगाना पड़ता ना, ऐसे ही ओ हो ज्ञानियों के बल से जो आत्म निर्मलता के संस्कार गहरे गहरे पड़े हुए हैं, अभी जो भी निमित्त मिले, प्रत्यक्ष निमित्त मिले, परोक्ष निमित्त मिले, उन सब से उस आत्म वस्तु का तादात्म्य स्थापित करो, अपने आप ज्ञान की वीणा जगेगी और मोह की सारी जो चीजें हैं ना वो अपने आप चली जाएगी। ये क्रम है, ये क्रम है। बात समझ में आ रही है? ख्याल में आया? इसलिए थोड़ी सी बातों को गंभीरता से समझो। भगवान की वाणी सबके जगह एक ऐसी है। भगवान ने जो कहा वो परंपरा से अद्यावधि प्रवाहमान है। एक भी व्यक्ति ने अपनी बात उसमें मोक्षमय प्रकाशक का पढ़ना ग्रंथ की प्रामाणिकता वाला प्रकरण जो आया, मोती से मोती, वो दृष्टांत पूरा है, पढ़ना। मैं भी वो बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ समझने लायक जरूरी है। इसीलिए यहाँ कह रहे कि देखो सर्वज्ञ भगवान ने ये कहा कि भाई ये जो मोह की बढ़ती हुई दशा है वो एक मिथ्या तो गुणस्थान में आ गई, सारी दशा एक एक में, और घटती हुई दशा को बताने के लिए 2, 3, 4, 12 गुणस्थान दिए। कारण क्या? क्योंकि बढ़ती हुई दशा का हमें गहरा अनुभव है और घटती हुई दशा का हमें ज्ञान नहीं। आई कि नहीं ये बात समझ में? क्या बोल रहा हूँ ये ख्याल में है ना? मोह की बढ़ती हुई दशा, संसार चक्र में क्या किया हमने बताओ? मोह बढ़ाया, घटाया, घटाया, बढ़ाया, बढ़ाया, घटाया, यही किया। एक क्षण के लिए दर्शन मोहिनी का अभाव कर दिया होता तो अकेले कोरोना की वेव्स थोड़ी आती है, मोह की भी वेव्स आती, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड आती है, फिर पीक पर जाती, फिर चली जाती, ऐसे संसार में होता है। आज एक बात मैं लिख कर बोल रहा हूँ, अगर आपने मोह का अभाव नहीं किया तो मोह की मंदता को तीव्र होने में टाइम नहीं लगेगा। ये नियम क्या बोला? मोह का अभाव नहीं किया तो मंदता को तीव्र होने में टाइम नहीं लगेगा, एक क्षण में तीव्र हो जाती, कहां पता चलता? यहां बैठे बैठे इतनी अच्छी बातें सुन रहे हो, बड़े अच्छे से सुन रहे हो, बड़ा आनंद हो रहा है। एक कोई घटना बजे, कोई कोई फोन आ जाए, कोई मेरे मुंह से शब्द निकल जाए जो नहीं सुनना चाहते, जरा सा कुछ हो जाएगा, सारा मुंह क्या हो जो मंद था वो सब एकदम मेरु जैसा हो जाएगा। मतलब बाहर में जो परिवर्तन आपको दिखता है ना, अणु से मेरु तक का और मेरु से अणु तक का, वो फिजिकली होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मोह में होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। समझ में आया? इसीलिए आप सबको मेरा करवत निवेदन है कि जब भी कभी आप मोह के अभाव की बात सुनो तो आत्मानुभवन से पहले संतुष्ट मत हो, क्योंकि मंदता एक नशा हमें लगती है, अवस्था हो गई, उपलब्धि हो गई, ये कुछ नहीं है, हजारों बार हो चुकी है, हजारों बार हो चुकी है, फिर तीव्र हो जाता है। कर्मों की अवस्था अंता कोड़ा कोड़ी सागर तक आ गई, फिर आप प्रायोग लब्धि से निकल गए, करण लब्धि तक नहीं पहुंच पाए, फिर वो कोड़ा कोड़ी सागरों में चली गई। इसीलिए अगर आपने परिणाम संभाल लिए तो बहुत कुछ संभाल लिए, ऐसा नहीं है। अपरिणामी जब तक दृष्टि में नहीं आया वो संभले परिणाम भी बिगड़ने में टाइम। जीव अभी तक इस बात को नहीं समझ पा रहा, और इसीलिए यहां पर डंके की चोट कहा कि ये जो परिणामों का परिवर्तन है ये मोह कर्म के उदय से होने वाला है, और इसीलिए अचेतन है, चेतन नहीं। अब ये बात है, ये पूरी जो बात है किसके लिए आई? इसके लिए कि परिणामों का जो भी परिवर्तन वो है क्या, हुआ कैसे? बोले ये जो पहले गुणस्थान में मोह बढ़ा, ठीक है,
फिर आगे जाके मोह घटा, ठीक है, लेकिन वो भी किसके उदय से रहा, मोह के उदय से रहा। और जो मोह के उदय से वहां पे शब्द बोला, जे जो भी मोह के उदय से होता है वो नित्य चेतन है, शब्द बोला है, ते कह अवंती जीवा जे, जो कैसे है नित्य अचेतन, मतलब सम्यक दर्शन की दशा, गुणस्थान रूप दशा, व्रत रूप दशा, महाव्रत रूप दशा, अरे रे रे, ग्यारहवें बारहवें गुणस्थान की दशा, ये दशा को भी कुंद कुंद आचार्य देव क्या कह रहे हैं, अचेतन कह रहे। क्यों? क्योंकि यहां चेतन की एक ही परिभाषा है, जो सनातन सो चेतन, जो आए जाए वो अचेतन, जो चेतन से हो वो चेतन का, जो गुण मोह से हो और मोह के साथ अचेतन। यहां एक न्याय भी दिया, यव पूर्वक यव, जैसे जौ के पूर्वक जौ होते हैं, गेहूं नहीं होते, टीका में यव पूर्वक यवा, जैसे जौ के कारण क्या होता है, ज्वार होता है, बाजरे के कारण बाजरा होता है, ऐसे ही मोह के कारण जो हो, मोह कैसा, अचेतन, तो उस मोह के कारण जो बन रहे हैं वो गुणस्थान, वो भी कैसे, अचेतन, क्योंकि तो जीव के कारण तो अनंत चतुष्टय होता है, जीव के कारण तो सिद्ध पद होता है, और सिद्ध पद होता है इसलिए वो ही जीव है, बाकी जो कुछ भी कर्म के कारण हो वो क्या है, अजीव है। भैया ये ताकत है आत्मदृष्टि वाले जीवों की, कि बारहवें गुणस्थान वाले तक को भी क्या बोल दें, ये बारहवें गुणस्थान की दशा भी अजीव। न्याय समझ में आया, किस न्याय के कारण, जिससे हो उसका, यव पूर्वक यव, मोह पूर्वक मोह अचेतन, तो अचेतन से होने वाला भाव भी कौन सा, ये न्याय समझना, विस्तार कल करें।